दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x40 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और जो इसका साइज़ है 30x40 फिट और ये चारों तरफ से ओपन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने चारों तरफ विंडो वगैरह दिया है, पीछे भी एक डोर दिया है जिस क्योंकि पीछे जगह है। ये एक वेल डेकोरेटेड हाउस प्लान है, साइड में भी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर आपको एक गुमटी देखने को मिलती है। तो 30x40 फिट में ये पूरा मकान आज मैंने क्रिएट किया है, इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे एक पेड यूजर हैं, उनके कैनवस मॉडल को डिजाइन किया है और आगे से फ्रंट से इसका एलिवेशन ऐसा है, साइड से सिर्फ विंडो दिया है, सिर्फ वेंटिलेशन या मान लें कि 3-3 फिट चारों तरफ जगह छूटी है वेंटिलेशन के लिए, इसलिए चारों तरफ विंडो मैंने दे रखा है जिससे प्रॉपर घर का वेंटिलेशन होता है। 30x40 का प्लान जो आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू, विंडो का डिज़ाइन, रेलिंग का डिज़ाइन सारा आप प्रॉपर तरीके से देख सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले ये एक मेन डोर है, ये आपका ब्लैक कलर का डेकोरेशन की वजह से चीज़ें क्रिएट की हैं। ये स्टेयर्स से इसके माध्यम से अंदर जाएंगे। जैसे आप अंदर जाते हैं सबसे पहले लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ एक रूम मिल जाते हैं और इस रूम से होते हुए आप अंदर जा पाएंगे। राइट साइड में एक बेडरूम है और लेफ्ट में एक बेडरूम है, इसी से होते हुए आप अंदर जाएंगे। इस बेडरूम में दोनों तरफ से विंडो है, कॉर्नर वाला प्लॉट है जो बेडरूम है, इस पर दोनों तरफ से विंडो है जिससे आप प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सके। अब इस बेडरूम में होते हुए इस गेट के माध्यम से आप अंदर जाएंगे। सबसे पीछे जैसे जाते हैं तो दोनों इस कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम मिल जाते हैं और ये आपकी स्टेयर्स है जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर इधर आ जाएंगे। इस कॉर्नर पर आपका लेट एंड बाथ है और ये आपका किचन एरिया है, इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक विंडो है बैक साइड में जिससे वेंटिलेशन वगैरह होता रहे। ये जो दोनों बेडरूम पीछे क्रिएट किए हैं कॉर्नर पर, उस पर भी विंडो यहाँ पर दोनों तरफ से दी है, इधर से भी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। सबसे पीछे की बात करें तो आपको एक डोर है क्योंकि पीछे भी जगह यहाँ पर बची हुई है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पीछे डोर देना पड़ा। ये लेट एंड बाथ, ये स्टेयर्स। तो 30x40 फीट में आपको 4 बेडरूम के साथ एक लेट एंड बाथ, किचन, स्टेयर्स और यहाँ पर एक बड़ा सा ओपन एरिया या हॉल टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई 30x40। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये देखिए स्टेयर्स और ये आपका डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये विंडो वगैरह यहाँ पर दी है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, उस पर कलरफुल आपका रूप यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इससे आप जैसे ऊपर आते हैं तो ये 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट है। रेलिंग फ्रंट की बात करें तो बीच में ग्रिल इस्तेमाल किया है, फिर राउंड कलर के आपका विंडो है और ये कुछ डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें मैंने और क्रिएट कर रखी हैं। तो 30x40 फिट का ये मकान पूरा बनकर रेडी हो जाता 1200 स्क्वायर फिट में। तो इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पूरा ओवरऑल आपका कॉस्ट और मटेरियल बता देगा। इस साइड से भी आपको एक डोर दिया है, इसे आप एंट्री कर पाएँ क्योंकि इधर इनकी रोड पड़ती है, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आपका एक क्लोज्ड प्लान है तो आप सारे विंडो हटा सकते हैं चारों तरफ, लेफ्ट और राइट और बैक साइड से फ्रंट का एलिवेशन आप रहने दें, बाद बाकी सेम मैप पर रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।